हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीब्रेट में। दोस्त, मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके बावजूद भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर अभी भी काफ़ी सारे लोग के डाउट्स हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ICR एग्ज़ाम के ड्रेस कोड के बारे में। इसके को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे, साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे। और जो ICR ने COVID-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए और एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपना जो रूल रिलीज़ किया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि आप लोग का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, उसके बाद ड्रेस कोड की बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि लाइक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक से टिक कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये टिक करो ना करो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो एडमिट कार्ड है और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्या वो एक ही पेज में होना चाहिए? आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास उस टाइप के पॉसिबल है तो आप एक ही पेज में निकाल सकते हो और आप चाहो तो दो पेज में भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि आप ये इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स के लिए, इसको भी लेके जाना एडमिट कार्ड के साथ, तो यार ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आप चाहो तो ले जा सकते हो, चाहो तो नहीं ले जा सकते, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो केवल आपका एडमिट कार्ड है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन, यार लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, वैसे मैं सभी की रिप्लाई दे रहा हूँ, सभी के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे पर्सनल DM कर रहे हैं, इंस्टा वगैरह पे, या फिर कॉल कर रहे हैं, तो सारे A to Z मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ, सबकी सबसे अच्छे से बात हो रही है और आप सभी लोग भी बहुत अच्छे हो, अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी पूरी काउंसलिंग तक की हेल्प करेंगे। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद ही आपको यहाँ पे फोटो लगाना है और अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, ठीक है। और जो ये पेरेंट का सिग्नेचर है ये एग्ज़ाम से पहले करवानी है, और जो आपका सिग्नेचर है, जो आप खुद अपना कैंडिडेट जो सिग्नेचर करेगा, वो एग्ज़ाम के टाइम में जो परीक्षा नियंत्रक होंगे, एग्जामिनेशन एंट्री इन्विगलेटर होंगे, उनके सामने आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। अपना सिग्नेचर पहले नहीं करना है, आपका सिग्नेचर एग्ज़ाम वाले दिन एग्जामिनेशनर जो होगा उसके सामने करना है, ठीक है। लेकिन पेरेंट आपके साथ एग्ज़ाम में नहीं जा पाएंगे, तो उनकी सिग्नेचर पहले से जानी चाहिए। और कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और कैंडिडेट की फोटो जो एडमिट कार्ड पे है, सेम फोटो, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद, ये प्रिंट आउट एडमिट कार्ड पे निकाल दीजिएगा, उसके बाद ओरिजिनल फोटो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप गूगल पे अपलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाले, ऐसा नहीं है। और ये सब चीज़ें अगर आपके साथ कोई वाली कोविड वाली प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको फॉलो नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसको लेकर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर अगर आप लोग कोई भी अभी भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है कृपया करके वो चीज़ हमें से दोबारा ना पूछें, और पूछना अभी जो पिछली वीडियो मैंने बताई है वो चीज़ पहले देख लें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ सकते हैं। बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेस कोड। तो दोस्त, बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बॉयज़ के बारे में बात करें तो बॉयज़ लोग के लिए कोई भी उनके बॉडी पे मेटल वगैरह, यानी कि कोई भी गोल्ड या सिल्वर चेन वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए ऐसा चीज़। आप लोग के लिए केवल टी शर्ट जो कि कम प्रिंट वाली हो, यानी कि उस पर ज़्यादा प्रिंटिंग ना हो, ठीक है। टी शर्ट या फिर कोई जो समर शर्ट होती है वो सब चीज़ें आपके लिए अलाउ हैं, ठीक है। वहीं जो नॉट अलाउड के लिए, तो आप लोग फुल जीन्स पहन के जा सकते हो, बट जो टाइट जीन्स होते हैं, स्किनी जीन्स, वो सब आपको उन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। बात करें गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, तो गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी मेटल यूज़ नहीं करना है, जो कान में नाक में वगैरह वगैरह जो ये सब यूज करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, या फिर बड़े बटम वाले शर्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको बचनी है। उसके बाद आपको हाई हील्स से बचना है, ठीक है। स्लीपर यूज कर सकते हो वहाँ पे, हाई हील्स जो वहाँ पे होते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, वो सब चीज़ों से आपको बचना है। सेकेंड थिंग की भी गर्ल्स के लिए भी जो हाफ स्लीव होता है टी शर्ट, वो चीज़ आपको एक प्रॉफिट होगा, वो सब चीज़ें आपको पहन के जा सकते हो, कोई भी आपके वहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। वहीं आपको स्किनी टाइट जीन्स ये सब जो होते हैं ये सब नहीं पहननी है, ठीक है। ट्राउज़र ये सब पहन सकते हो, यूज कर सकते हो, लोअर वगैरह। उसके बाद गैज आपको करना है क्या, कैप, स्कॉर्फ, ये सब फुटवेयर, ये सब जो लंबे बॉटम वाले चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बचना है, ठीक है। अप्लीकेशन जो अप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, उनको फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर रिस्ट वॉच, कोई भी चीज़ों से जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर किसी भी पेपर वर्क से बचना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यूज नहीं करनी है। अभी के जो भी उम्मीदवार होंगे या फिर कैंडिडेट्स हों, उनको केवल विदाउट प्रिंट वाली या फिर हल्की प्रिंट वाली टी शर्ट यूज करनी है। उसके बाद क्लॉथ अपना जो हो वो समर क्लॉथ हो, यानी कि जो गर्मियों में लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो क्लॉथ हो। उसके बाद आप अगर किसी धार्मिक चीज़ों से रिलेटिव रखते हो, यानी कई सारे सिख कैंडिडेट होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं, वो सब चीज़ें उनके लिए अलाउ है, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ें अलाउ नहीं है।
एग्जाम में आपको लेकर क्या क्या जाना है, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आप क्या ले जा सकते हो, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। उसके बाद करंट जो एडमिट कार्ड पे फोटो है सेम वही फोटो आपके पास होनी चाहिए, करंट फोटोग्राफ साइज की फोटो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को उसके साथ साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका एक ही पेज में हो तो अच्छी बात है, आप चाहो तो दो पेज में भी लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक ही पेज रहेगा तो आपको ले जाने ले आने में सुविधा होगी, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ क्या क्या अलाउ है क्या क्या नॉट अलाउड है, ठीक है। तो जो अलाउ है वहाँ पे आप हाफ स्लीव ट्राउज़र, कुर्ता, स्लीपर, सैंडल, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए अलाउ है। लड़कियों के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए जो कुर्ते वाले शर्ट होते हैं वो सब चीज़ें अलाउ हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा इस टॉपिक बात नहीं करना चाहता हूँ, बट आप सभी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, सो वो चीज़ आप लोग इस फोटो में देख के क्लियर कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको पहन कर जानी है। हाई हील्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना, शूज बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वाइट अगर आपको शूज वहाँ पर चोरी होते तो इसकी जिम्मेदारी एंटी नहीं लेगा या फिर एग्जाम सेंटर वाले नहीं लेंगे। हालांकि एग्जाम सेंटर उतने स्ट्रिक्ट होते नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम सेंटर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ जगह पे बहुत ही लो लेवल की सिक्योरिटी होती है, तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम सेंटर पे। वैसे आप इन सब चीज़ों से पहले से अवॉइड रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वॉच यूज़ नहीं करना है, ये सब जो ब्रूच होता है, ये शूज़ वगैरह, ये सब आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप कैप या फिर सैंडल, हाई हील्स के पर्स वगैरह, रिस्ट या फिर जो अपने मेटल्स हैं गोल्ड सिल्वर, ये सब चीज़ों को, और शूज़ या फिर बाल में लगाने वाले पिन होते क्या बोलते मुझे नहीं पता, तो ये सब चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल स्लीपर यूज कीजिए, हाफ स्लीव यूज कीजिए, हाफ टी शर्ट यूज कीजिए, और नॉर्मल ग्लास यूज कीजिए, ठीक है। नॉर्मल ग्लास का मतलब जो काफ़ी लोग की आँख में प्रॉब्लम होती है, सो वो वाले ग्लास आप लोग यूज कर सकते हो। सो तो ये थी ड्रेस कोड, ठीक है। हालांकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गया, मैं आपको बता दूँ ये फुल्ली बेस्ट है अकॉर्डिंग नीट के ड्रेस कोड पे। जैसे कि आपको नीट एग्जाम में देना है ड्रेस कोड, सब कुछ उसी पे डिपेंड है। अगर आपने नीट का पहले एग्जाम दिया या फिर पहली बार देने जा रहे हो तो ये चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आईसीआर एग्जाम और नीट एग्जाम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सब्जेक्ट का फर्क है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अब मन लगा के पढ़िए यार, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपका एग्जाम 7, 8, 9 जिस दिन भी हो, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है, वो चीज़ मैं आपको इस स्टूडियो में बता दे रहा हूँ। दोस्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन फ्यूचर अगर आप फर्दर आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको मे बी ना पता हो कि आईसीआर का एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर सबमिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी है, ये आपका एडमिट कार्ड जो आप रिलीज जो आप लेके जाओगे वहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा, बाद में आपको मिलने वाला है नहीं। और एग्ज़ाम होने के बाद आईसीआर की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो, इसलिए आईसीआर ने साफ साफ मेंशन किया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि वो सभी कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड का एक जीरोक्स कॉपी गुड कंडीशन में अपने पास रखनी है फ्यूचर के यूज के लिए। तो बिल्कुल आपके पास एक एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट फोटो कॉपी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड लेके जाओगे उसके साथ साथ आपके पास एक और एक्स्ट्रा फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जो घर पे रहेगी आपके। जब फ्यूचर में काउंसलिंग कराओगे आईसीआर की तो वो उस टाइम यूज़ होती है, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो जाए एग्जाम सेंटर पे उससे अच्छा है, बाद में आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है कि आप लोग एक पहले से कॉपी जीरोक्स कॉपी रख सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि आप अपने एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम ग्रुप या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया है वहीं चीज़ आपको फॉलो करनी है। केवल आप अपना ग्रुप पेपर जो अगर आप हिंदी में देना चाहते हो एग्ज़ाम, जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, लैपटॉप पे बैठोगे, कंप्यूटर पे बैठोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज़ आप एडिट कर सकते हो एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम टाइमिंग के दिन। तो हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों मोड में पेपर आएगा, आप जिसको जिस मोड में देना वो पहले चूज कर लेगा वहाँ पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। मे बी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार मैं आपके पूरी हेल्प कर रहा हूँ, मैं सभी के एक एक बंदे की रिप्लाई दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर सच में इनकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और आप लोग का भी बनता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में। जैसे कि ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल अपडेट आती है आपको पूरी अपडेट आईसीआर की काउंसलिंग तक यहाँ मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड हो या फिर जेई नहीं, अंडर 60 सेकेंड, ठीक है, एक मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन आप किसी भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कनेक्ट हो सकते हो। स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्त अगर आप हमारे रेफरल कोड AUG003 का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।